नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चाणक्य कोचिंग क्लासेस बहराइच में। जैसा कि एग्जाम आपके नज़दीक आ रहे हैं, इसलिए आपको पुराने पेपर्स की जरूरत पड़ सकती है। जब तक आप पुराने पेपर नहीं देखेंगे, तब तक आपको नए पेपर जो आपके एग्जाम के टाइम पे आना है उसका आइडिया आपको नहीं हो पाएगा। इसलिए पुराने पेपर की सीरीज हम शुरू कर रहे हैं और इसमें 2018 का पेपर आपके सामने, सबसे पहले कॉर्पोरेट अकाउंट का आपके सामने हम रख रहे हैं। इसको आप देखिए, ये फर्स्ट पेपर होता है आपका। कहते हैं स्टार्टिंग का जब पहला पेपर अगर अच्छा हो जाएगा तो आपके और भी पेपर अच्छे हो जाएंगे। तो कॉर्पोरेट अकाउंट, तो इसमें शुरुआत करेंगे। तीन पार्ट में हमारा बटा हुआ है पूरा पेपर, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में दो दो नंबर के क्वेश्चन होंगे, सेक्शन बी में जो है 10-10 नंबर के क्वेश्चन होंगे। चलिए शुरू करेंगे। सेक्शन ए में देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन दिए, उसके बाद हम बात करेंगे सेक्शन बी में। सेक्शन ए आपके सामने देखिए जो है खुला हुआ है। सेक्शन ए में कि अंश निर्माण की विभिन्न पद्धतियां समझें, एक्सप्लेन वेरियस मेथड्स ऑफ इश्यू ऑफ शेयर, व्हाट इज कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, इसके बारे में बात की। फिर हाउ डिबेंचर्स आर रिडीम्ड, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिबेंचर आर देयर एक्सप्लेन, व्हाट इज स्टैंड बाय एमलिमिनेशन ऑफ कंपनीज, व्हाट इज कैपिटल रिडम्पशन अकाउंट, ये आपका जो है रिकंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, ये आपका होल्डिंग कंपनी चैप्टर का है। व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ गुडविल, ये आपका जो है गुडविल वैल्यूएशन ऑफ मेथड जो है शेयर से रिलेटेड एक अगला है। व्हाट इज एसेट्स वैल्यूएशन मेथड और व्हाट इज रेट ऑफ डिविडेंड, ये भी शेयर से रिलेटेड है, वैल्यूएशन ऑफ शेयर। सेक्शन बी की जब शुरुआत करेंगे तो देखिए यहाँ पे पांच जो है ये पांच क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 10 नंबर का दिया है, ठीक है। और शुरुआत करेंगे तो फॉरफीचर से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ध्यान रखिएगा। इसको पहले बहुत अच्छे से ध्यान रखना आपको, क्योंकि ये हर साल पूछा जाता है। इसके अथवा में जो दिया है वो भी शेयर से रिलेटेड, यहाँ पे जनरल एंट्री आप बनाइएगा। हालांकि शेयर आर इश्यूड एट पार एट जो है प्रीमियम एंड डिस्काउंट, ये तीनों केस में आपको जनरल एंट्री बनानी है। अगला सिंकिंग फंड का है जो कि इंपॉर्टेंट है। सिंकिंग फंड डिवेंचर से रिलेटेड है, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर चैप्टर का, और ये थ्योरी है। और इसके आर में जो थ्योरी दी गई यहाँ पे देखिए, हाउ आर डिवेंचर्स पेड जो है ये दिया है, ठीक है ये, और ये दिया है। फिर अगला है डिफाइन होल्डिंग कंपनीज एंड सब्सिडियरी कंपनी। ये होल्डिंग कंपनी होती है जो 51% से ज्यादा शेयर दूसरी कंपनी के अपने पास रखती है। देखो यहाँ पे आर में लगा के न्यूमेरिकल दिया है, इसी चैप्टर का न्यूमेरिकल दे रखा है। ये देखिए एच लिमिटेड और एस लिमिटेड दोनों के बारे में बात की रखी है। तो ये क्वेश्चन जो है आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, और इसके बाद जब जाएंगे तो ये अभी फिलहाल वही चल रहा है। और फिर अगला क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने जो गुडविल चैप्टर से रिलेटेड है, गुडविल, ठीक है। डिफाइन गुडविल, एक्सप्लेन द वेरियस मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन, इसके मूल्यांकन के भी मेथड के बारे में बताना है, विधियां उसके बारे में बताना है। अब इसका देखिए आर में इसके न्यूमेरिकल दिया है, आप चाहे तो थ्योरी कर सकते हैं चाहे तो न्यूमेरिकल कर सकते हैं, ठीक। हाँ, न्यूमेरिकल करेंगे तो फुल मार्क्स आपको मिलेंगे, बढ़िया स्कोर किया जाता है। अगर अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो न्यूमेरिकल देखना पड़ेगा। आपके सामने देख लीजिए, और ये आपका जो है गुडविल चैप्टर का, इस तरीके क्वेश्चन आप लगा पा रहे हैं नहीं लगा पा रहे हैं, नहीं लगा पा रहे तो लगाना सीख लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। फिर ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 जब जाएंगे तो क्या, व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर, एक्सप्लेन। अब देखो वहां पे इसके 5 में गुडविल पूछा, 6 में शेयर के बारे में पूछा, उसके आर में जो है न्यूमेरिकल पूछा जो है, और यहाँ पे भी शेयर के बारे में न्यूमेरिकल पूछा है। तो अब इस तरीके से देखिए दिया हुआ है, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन हम आपको बताएंगे जल्दी, पेपर के पहले ही इसके बारे में आपको हम बताएंगे। देखिए ये आपका जो है यहाँ, सॉरी एक सेकंड, हाँ ये हम आपको बताएंगे, यहाँ पर न्यूमेरिकल है और ये शेयर से रिलेटेड है, इसको देख लीजिए, ठीक है। और इस तरीके अब सेक्शन बी आपका हो गया। अब सेक्शन सी की जब शुरुआत करेंगे हम, तो सेक्शन सी की शुरुआत, ये सेक्शन सी आपके सामने आ गया। सेक्शन सी जब आया तो इसको देखिए, सेक्शन सी में कितने क्वेश्चन है करने, कुल मिला के आपको 2 हैं, होंगे कितने, इसमें 5 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 500 वर्ड, अगर आप थ्योरी लिख रहे हो 500 वर्ड का मतलब होता है कम से कम 5 पेज आप लिखिए, 5 पेज तो 6 पेज आपको औसतन 5 पेज लिखना ही लिखना है। हाँ इसके ये वाला क्वेश्चन, फिर देखिए थ्योरी का दिया है, रिकंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, रिऑर्गेनाइजेशन दिया है। फिर अगला थ्योरी है, व्हाट इज मीन बाय एमलिमिनेशन नेचर एंड मर्जर ऑफ नेचर ऑफ परचेस, ये जो है एमलिमिनेशन ऑफ कंपनी से रिलेटेड, व्हाई इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, दोनों के बीच में अंतर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगता है इंपॉर्टेंट मैंने बता भी रखा। और ये अगला फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर से रिलेटेड है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए कभी भी आए ये न्यूमेरिकल आता जरूर है इसमें से, फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर का हर साल आता है। देखिए 2 थ्योरी ऊपर दे रखी थी और ये एक न्यूमेरिकल फॉर फ्यूचर से है, और इसके बाद में ये 10 नंबर यहाँ पे देखेंगे आप,
तो ये भी आपका आपका न्यूमेरिकल ही है, ठीक है, और ये न्यूमेरिकल आपका दिया हुआ है, इसको देख लीजिए आप, ठीक। और ये 10 नंबर न्यूमेरिकल है, और फिर देख रहे हैं ये भी न्यूमेरिकल चल रहा है, इतने लंबे क्वेश्चन होते हैं इसके, हालांकि हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया है। फिर देखिए लास्ट में थ्योरी दी, इस बार थ्योरी खूब आ गई थी। व्हाट डू यू मीन बाय रिकंस्ट्रक्शन, ये थ्योरी देखो अमेलगेशन की थ्योरी, अमेलगेशन चैप्टर सेक्शन सी में जाए तो अमेलगेशन चैप्टर की, रिकंस्ट्रक्शन की जो है थ्योरी आई है। इसके अलावा फॉरफीचर ऑफ शेयर से रिलेटेड न्यूमेरिकल आया है, और बाकी और रिकंस्ट्रक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल आपका आया है, और इस तरीके से ये क्वेश्चन पूरा चैप्टर आपका ये पेपर कंप्लीट हो गया। इस तरीके से पेपर और आपको देते रहेंगे, साथ में आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, बहुत बहुत धन्यवाद।